हाय, आज हम देखेंगे इस तरह का रेंडर राइनो में कैसे करेंगे। क्या चौक है ना, इस तरह का रेंडर राइनो में कैसे होगा। एक्चुअली ज़्यादा चौकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का रेंडर राइनो में नहीं होता, तो हम दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। पर ये जो पूरा मॉडल है ना थे जी, ये पूरा राइनो में ही बनाया है। तो राइनो के बनाने के बाद एक कीसेट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम इसका पूरा रेंडर करेंगे। पहले ये राइनो में इसका मॉडल बना लेता हूँ। तो फिर राइनो में आ गए, क्या सोचा है, ये 3D मॉडल हम बनाएंगे राइनो में? अभी तो नहीं, हम लोगों को पता है 3D मॉडल कैसे बनाता है राइनो में। तो हम आज ये सब नहीं दिखाएंगे, आज सिर्फ दिखाएंगे इसको रेंडर कैसे करेंगे, वो भी कीशॉट पर। कीशॉट के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, तो हम दिखाएंगे आज रेंडर की शर्ट पर कैसे करेंगे। पहले ये मॉडल का हम की शर्ट पर ले जाना पड़ेगा। ये की शर्ट है इधर, की शर्ट होगा तो ये जो टूल है ना वो की शर्ट के साथ मिलता है, नहीं तो दूसरा की शर्ट के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। टूल की शर्ट ओपन हो रहा है, देखा, की शर्ट पर चलाया, चलो एक ही शॉट पर मॉडल आ गया है। मॉडल के देखो एक शैडो में दिख रहा है ना, ये शैडो ये नीचे आ गया है रिंग, इसलिए दिखा रहा है। पहले रिंग को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के लिए ये सीन पे जाना पड़ेगा। सीन के जाके तुम्हारा जो फाइल है रिंग का नाम, वो फाइल का नाम इधर आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करो तो इधर मूव ऑप्शन मिलेगा। मूव को सिलेक्ट करने के बाद ये जो गम्बेल आ जाएगा, गम्बेल को पकड़ के सिर्फ ऊपर उठाना पड़ेगा जब तक वो शैडो उठ ना जाए। बस ये रिंग का बेस पे आ गया, बस ओके। उसके बाद इसका जो स्टोन है कलर देना पड़ेगा। इसके लिए ये देखो पूरा कलर बार टूल बार है, शायद आपको पहले ही नहीं देखने को मिलेगा। तो ये लाइब्रेरी है ना नीचे, लाइब्रेरी को ऑन करो तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हमको गोल्डन कलर देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो ब्रास गोल्ड है ये बना लेंगे, ये बना देता हूँ। गोल्डन कलर आ गया, उसके बाद स्टोन को कलर करना पड़ेगा। स्टोन जिम, ये जिम स्टोन है, इसके अंदर हर तरह का कलर मिलेगा। तो ये जो रूबी है तो हम ये रूबी ये वाला को देता हूँ, ये तीनों को देता हूँ। उसके बाद डायमंड को कलर करना पड़ेगा, ये डायमंड कलर आ गया। उसके बाद ये डायमंड को भी कलर करना पड़ेगा। बस हमारा सेटअप पूरा रेडी हो गया। पूरा रिंग कलर देने के बाद भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना, देखो कलर अच्छे से नहीं लग रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए इसका लाइट में थोड़ा काम करना पड़ेगा। लाइट में काम करने के लिए जो नीचे जो प्रोजेक्ट है ना, ये शायद ऑन रहेगा। इसको ऑन करने के बाद, ये प्रोजेक्ट ऑन करने के बाद इधर जो लाइटिंग है ना, ये लाइटिंग को ऑन क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो लाइटिंग का है ना बेसिक, बेसिक पे नहीं करेगा, प्रोडक्ट जो चाहे जो पसंद आएगा वो करेगा। तो प्रोडक्ट पे अच्छा लाइटिंग दिया, तो अच्छा लाइटिंग हो जाने जाने के बाद फिर आपको इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही मिलेगा, नहीं तो इधर भी है मटेरियल पे इन्वायरमेंट चाहिएगा, डिफ़ॉल्ट में बहुत सारा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो जो भी चाहिए देख सकते हो ट्राई करके, इस तरह से जो अच्छा लगे। तो खुद से भी इन्वायरमेंट बना सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। तो
ये कलर ठीक है। बस बैकग्राउंड का कलर होने जाने के बाद इन्वायरमेंट के लिए ये जो ग्लेच है ना, इन्वायरमेंट के लिए होता है। इसके लिए ग्लेच अच्छा करने के लिए इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट अपने आप से हिसाब से बना सकते हो, तो इसके लिए क्रिएट ब्लैंक इन्वायरमेंट मैप करना पड़ेगा। तो नया इन्वायरमेंट आ गया पूरा ब्लैंक। तो उसके बाद HDRI एडिटर है ना, उसके अंदर जाने का, ये जो बैकग्राउंड है क्लिक कर दो। तो उसके बाद एक कलर आएगा, ग्रेडियंट आएगा, संस्कार का इमेज अपने सबसे जो इमेज दे सकते हो उसको सबसे इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल इन्वायरमेंट चालू करेंगे। तो उसके लिए ग्रेडियंट ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ना, ऊपर से लाइट नीचे से ब्लैक, तो ऐसा नहीं चाहिएगा, ऊपर से भी थोड़ा ब्लैक चाहिए। इसके लिए ये जो ब्लैक है इसको थोड़ा नज़दीक ले आया हूँ, तो नीचे इसका पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमको इसके बीच का वाला ब्लैक चाहिए। तो उसके लिए एक नया ले लेता हूँ। तो ये जो सफ़ेद है इसको बीच में ले आता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक है वो साइड ले देता हूँ। देखो इधर, देखो गोल्डन का कलर, देखो इधर से पूरा ग्लेच हट गया, जो साइन था ना वो पूरा हट गया। तो साइन ले आने के लिए हमको साइड में ब्लैक करना पड़ेगा। तो दूसरा कलर देख सकते हो जो अच्छा लगेगा। तो ये सब हो जाने के बाद देखो ये थोड़ा मैट फिनिश टाइप है, देखो मैट फिनिश का जैसे लग रहा है। मैट फिनिश ठीक करने के लिए थोड़ा और भी लाइट देना पड़ेगा। ये जो लाइट है आ गया एक लाइट, ये लाइट अपने हिसाब से लगा सकते हो, जिस तरह दो तीन लाइट लगा देंगे तो हो जाएगा। और ऊपर का जो है ये पूरा ऊपर से लाइट मिलेगा, तो इस ऊपर के वाले का लाइट ज़्यादा ब्लैक करना होगा। तो इसके लिए ये जो कलर है वो ब्लैक कर दो पूरा। ब्लैक हो जाने के बाद भी ये ब्लैक नहीं होगा जब तक इधर अल्फा नहीं दिखता। ये अल्फा करने से बाद पूरा ब्लैक, तो तुम्हारा जो रिंग है ना पूरा साइन दिख रहा है। तो उसको ये जो इमेज क्वालिटी है कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है ना, लगता है इसका कुछ कलर कम हो जाएगा। तो इसके लिए फोटो एडिटिंग जैसे करता है ना ट्रिक सेम टू सेम, वैसा ही इधर भी एक ऑप्शन है। ये जो इमेज है ना लाइटिंग के पास, वो इमेज के अंदर एक ऑप्शन है जो फोटोस एडिटिंग का काम आता है। तो इधर ये बेसिक पे थोड़ा बहुत काम होता है, ग्रामा और एक्सपोज, ये कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शन है। तो ये सबसे बढ़िया है फोटोग्राफी पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो चाहे कर सकते हो। इधर ज़्यादा ऑप्शन के लिए तो अच्छा क्वालिटी आ जाएगा। ये जो रिस्पॉन्स कार्ड है ना, ये हमेशा लाइनर पे होना चाहिए। तो लाइनर होने से अच्छा लगेगा, दूसरा भी आप देख सकते हो जो अच्छा लगेगा करेगा। और ये शेडो थोड़ा कम कर देता हूँ, ये भी थोड़ा कम, लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। वही जो कलर है, कलर को थोड़ा बढ़ाता हूँ, अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा रिंग को घुमाता हूँ। हाँ, तो उसके बाद तो हम किसको, ये सब कलर हो जाने के बाद आप एडजस्ट कर सकते हो, इधर जो अच्छा लगे वैसा ही कर सकते हो। तेरी क्या हुआ, व्हाइट बैलेंस पूरा कम हो गया। हाँ देखो, अभी जो कलर है ना थोड़ा मैट फिनिश जैसे लग रहा है। इसको क्लियर करने के लिए ये डायग्नोसिस है ना, इधर ये डायग्नोसिस को ऑन करना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस ऑन करने के बाद ये थोड़ा अपने आप से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा जो सिस्टम के हिसाब से क्लियर होगा। जिसका सिस्टम जितना फास्ट है उतना फास्ट ये एडिट करेगा। तो उसके बाद ये जो रेंडर है ना, रेंडर के अंदर जाओ, क्लिक करो, तो ये रेंडर डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद आउटपुट है, इसका जो साइज
जो इतना साइज तक हो सकता है अपने डिफॉल्ट से भी साइज कर सकते हो, तो उससे ज़रूरी नहीं ये जो साइज है ये कम चल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे जाने के बाद इधर सैंपल जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा। तो हम 130 पे हो जाएगा, अच्छा 100 सैंपल लेंगे। तो उसके बाद सिर्फ रेंडर क्लिक कर दो तो रेंडर होना चालू हो जाएगा। देखोगे आपका बढ़िया क्वालिटी का रेंडर मिलेगा। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। और हाँ, आज तो हम एनिमेशन नहीं दिखाएंगे, बाद में दूसरा कोई वीडियो में एनिमेशन हो जाएगा। आज तक आज से इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।